एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पाव भाजी रेसिपी। तो मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं जिनको बॉईल कर लिया है नमक हल्दी डाल के, और ये है प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है टमाटर का पेस्ट, और ये है पाव भाजी मसाला, एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला, और ये कुछ किचन के बेसिक्स मसाले जो मैं आज इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो कढ़ाई में मैंने लिया है बहुत थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि मैं इसको डिनर में बनाने वाली हूँ। देन मैंने इसमें डाला है जीरा, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने अदरक लहसुन वाला पेस्ट बनाया है, प्याज अदरक लहसुन वाला। देन इसको मैं लाइट ब्राउन होने तक भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले। तो यहाँ मैंने एक कटोरी में ली है जरा सी हल्दी, हल्दी हम पहले ही डाल चुके हैं, और लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। एंड यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ एवरेस्ट पाव भाजी मसाला। तो जितने मैंने और सारे मसाले लिए हैं उनसे डबल, उन सब का डबल मैं यहाँ ले रही हूँ पाव भाजी मसाला। देन मैं यहाँ यूज कर रही हूँ आमचूर पाउडर। इन सबको हमें अच्छे से पानी मिलाकर मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट बना लेना है, जिसको अब मैं ऐड कर रही हूँ प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट में। अब इसको भी हमें अच्छे से चलाते हुए भूनना है, उसके जब ये भुन जाए, इसमें से ऑयल छूट जाए, फिर इसमें हमें ऐड करना है टमाटो पेस्ट। भाजी में लहसुन और अदरक, प्याज ये सब अच्छे से डलता है, इसलिए इसका जो भूनने वाला प्रोसेस है वो आप टाइम लगा के अगर करिए तो भाजी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो वही यहाँ मैं भून रही हूँ, जब तक ये पेस्ट ऑयल रिलीज नहीं करता तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। ओके, तो पेस्ट यहाँ पे हो चुका है रेडी बुन के। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपनी बॉयल की हुई सारी सब्जियाँ, एंड इसको भी अच्छे से चलाना है और इसमें लाना है बॉयल। बॉयल आने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रोजन मटर। आप चाहे तो मटर को पहले भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको मैश की हुई मटर पसंद है, मुझे ऐसी पसंद है इसलिए मैं मटर को बाद में डालती हूँ। मैंने भाजी बनाने के लिए एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज़ की है, आयरन से भाजी का कलर जो है वो डार्क हो जाता है, और नॉनस्टिक हम लोग बहुत कम ही यूज करते हैं, तो भाजी का कलर कुछ ऐसा हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं हरा धनिया और खूब सारा बटर। अगर आप भाजी का कलर और अच्छा चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ पे मेरी भाजी हो गई है रेडी। तो यही था आज का मेरा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।